रोहतक के रिजल्ट्स आ गए एंड पीपल हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड कांग्रेचुलेशंस। बट अब क्या इंदौर के रिजल्ट्स का इंतजार करो भाई या बहन? भाई प्लीज टाइम मत बर्बाद कर। देयर इज अ ह्यूज मिसकंसेप्शन कि भैया बस रिटन पेपर निकल गया, इंटरव्यू तो निकाल ही लूंगा, ये इंटरव्यू के लिए क्या ही प्रिपेयर करना। अरे मेरे नादान बालक, इतना समझो कि इंदौर में इंटरव्यू की वेटेज 35% है, रोहतक में 15% और रांची में 30% है। इतना भी हलवा मत समझो इसे। आओ एक कहानी सुनाता हूँ। पीपल हु डोंट नो मी, आई एम अ ड्रॉपर एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम 2021 में अपियर किया था, मेरा रोहतक का रिटन एग्जाम क्लियर हो गया था एंड आई अपियर्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। एंड मैं बता नहीं सकता उन्होंने मेरे को कितना ग्रिल किया था, कितना ज्यादा ग्रिल किया था। मैं इंटरव्यू देकर आया एंड आई न्यू कि भाई इसमें तो हो ही नहीं सकता, मेरा मतलब हो ही नहीं सकता। फिर देन आई डिसाइडेड, मैंने अगला पूरा साल अपने ड्रॉप ईयर में पढ़ाई के साथ साथ इंटरव्यू की स्किल को मास्टर करने में भी लगाया एंड आई स्पेंट लाइक काउंटलेस आवर्स ऑन इट। एंड फाइनली जब नेक्स्ट ईयर सेम आई एम रोहतक का इंटरव्यू आया, आई किल्ड इट। इवन दी इंटरव्यूअर्स कॉम्प्लीमेंटेड मी, व्हिच इज क्वाइट रेयर। क्या तुम्हें अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है? तो एक और बात सुन लो, इन 2022 आई अपियर्ड फॉर IPMAT इंदौर, आई स्कोर 204 एंड माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 111 एंड वन ऑफ माई बैचमेट जिसने मेरे से 5 नंबर ज्यादा स्कोर किए थे 209, ही गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 211। उसने मेरे से ज्यादा स्कोर किया, स्टिल उसकी रैंक मेरे से 100 रैंक पीछे थी। सिमिलरली द पीपल द पर्सन जिसकी 109th रैंक आई थी मेरे से सिर्फ 2 रैंक ऊपर, गेस कर सकते हो उसने कितने ज्यादा मार्क्स लाए हूँ? ही स्कोर्ड अराउंड 230-ish। मेरे उसके मार्क्स में 26 मार्क्स का डिफरेंस था, स्टिल वो सिर्फ मेरे से 2 रैंक ऊपर था। द एंटायर डिसाइडिंग फैक्टर इतनी सारी वेरिएशन का इस इंटरव्यू। अब आई गेस तुम लोग को रियलाइज हो गया होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इंटरव्यू इज। सो मेन क्वेश्चन आता है कि भैया इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें? तो एज आई सेड, इंटरव्यू की चिंता मुझ पे छोड़ देना। आई विल बी पुटिंग आउट अ 3-पार्ट वीडियो सीरीज ऑन इंटरव्यूज कंप्लीटली फ्री ऑन YouTube। पीपल हु चार्ज फॉर इट, आई विल पुट इट आउट कंप्लीटली फ्री ओनली फॉर यू गाइस, ठीक है? एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज मास्टर क्लास ऑन ऑल द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। सेकंड वुड बी ऑन हाउ यू कैन एक्सटेल एक्सटेम्परी एंड लास्ट हाउ यू कैन डोमिनेट एनी इंटरव्यू। बट ऑल दिस ओनली व्हेन दिस वीडियो क्रॉसेस 300 लाइक, तो लाइक कर देना गाइज। वेलकम टू आर्ट ऑफ इंटरव्यू 2.0। लास्ट ईयर वी लॉन्च दिस बैच एंड फॉर दिस इंटरव्यू कोर्स स्पेशली, एंड भाई क्या अमेजिंग रिस्पॉन्स आया तुम लोगों की तरफ से यार। मतलब आई haven't expected कि इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाएगा एंड आई loved इट। एंड पीपल हु took दिस कोर्स यू नो आर नाउ इन टू IIMs, लिटरली सम ऑफ देम आर माई जूनियर, सम ऑफ देम आर ऑल इन ऑल IIMs लाइक इंदौर, रांची, रोहतक में ही मेरे 7-8 लोग जस्ट नेक्स्ट बैच में। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ दिस इज समथिंग वर्थ इट। एंड विच एवर आई एम गोइंग टू टेल यू, वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू आउट दिस वीडियो, वो लास्ट ईयर आई टुक सेशंस एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की जिसमें मैंने वो सब शेयर किया था एंड आई विल बी शेयरिंग यू विथ इट इन अ कंसाइज मैनर इन जस्ट 10-15 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन, मास्टर क्लास ऑन क्वेश्चंस। मास्टर क्लास ऑन क्वेश्चंस का क्या मतलब? विल कवर 2 टॉपिक्स। फर्स्ट कि इंदौर, रोहतक एंड रांची के इंटरव्यूज में डिफरेंस क्या होता है, तुम्हें कैसे अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से कस्टमाइज करना होता है। सेकेंड, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। चिंता मत करो, आई विल हैंड ओवर यू ऑल द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो तुम्हारे आ सकते हैं, सो जस्ट हैंग ऑन, ठीक है? एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू विथ मी, देन ऑलवेज देयर इज फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहां पे यू कैन यू नो ज्वाइन द न्यू आर्ट ऑफ इंटरव्यू 2.0 बैच, जिसमें आई विल बी पर्सनली यू नो कंसिडरिंग योर इंट्रोडक्शन। मैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा, तुम्हें प्रॉपरली गाइड करूंगा, तुम्हारे एक्सटेम्परी को पुल ऑन करूंगा, will guide you throughout this interview process together. We'll take 2 mock interviews. Your future IIM seniors will take 2 mock interviews and probably it's going to be, you know, one of the best interview courses that is out there. Ye to main dil pe haath rakh ke keh sakta hu, it's the best, if not one of the best. It's the best. Theek hai? Chalo, we'll start. So first, let's see ki IIM Indore, Rohtak and Ranchi ke interview different kaise hote hain. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट इट, इंदौर के इंटरव्यू में इट्स मोस्टली अकेडमिक्स। देखो 3 कंपोनेंट होते हैं हर इंटरव्यू के, स्पेशली IPMAT के इंटरव्यूज के। फर्स्ट इज अकेडमिक्स, सेकंड इज जनरल इंटेलेक्ट, दैट इज क्वेश्चंस अबाउट योर पर्सनल लाइफ, लाइक तुम्हारा कोई पास्ट का अचीवमेंट है एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड देन ECS, लाइक व्हाट यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, लाइक कोई स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिशन जीता है और यू आर अ ट्रेंड डांसर एंड वॉट एवर। जनरल इंटेलेक्ट में भी वो ऐसे आ जाता है कि डू यू हैव नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, द करंट वर्ल्ड एंड वॉट नॉट, बहुत सारी चीजें आती है। विल कवर अपॉन इट इन द क्वेश्चन पार्ट इन द लेटर हाफ ऑफ द वीडियो। देखो यार,
जिसको जो वीडियो में रहेगा एंड तक उसे सब इंटरव्यू के बारे में डिटेल मिलेंगी। एंड जब जिसको जाना होता है वो तो चला ही जाता है यार, जो जिसको जो सीरियस बंदा होता है ना वही एंड तक रुकता है। एंड इफ यू आर सीरियस प्लीज पूरा देख के जाना, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। इतना यू नो रिच एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। सो आई एम इंदौर के इंटरव्यू में तीनों कॉम्पोनेंट को देखते हैं कि वो कितने कितने पे उनका वेटेज रहता है। देखो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ हार्ड फैक्ट कि ये जितना मैंने बोल रखा सिर्फ उतना ही होगा, बट मेजोरिटी तुम उसका आइडिया लगा सकते हो। अकेडमिक 70% तक इंदौर का मेन शो स्टॉपर होता है इंटरव्यूज में। अगर वो तुमसे 10 क्वेश्चन पूछे आउट ऑफ 10, 7 क्वेश्चन तुम्हारे डेफिनेटली अकेडमिक्स पे होंगे। अकेडमिक्स क्या 11th and 12th के पे। एंड बेसिकली अगर तुमने कुछ यू नो इस ड्यूरेशन में पढ़ा है अपने आईपी मैट प्रेप के तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ आ सकता है, बट मोस्टली वो तुम्हारा 11th एंड 12th होता है, स्पेशली 12th। अकेडमिक्स कैसे प्रिपेयर करनी है, सम ऑफ यू आर ड्रॉपर एंड डोंट नो, भैया मैं तो सब भूल गया, मैं भी सब भूल गया था, आई वाज आल्सो अ ड्रॉपर एज आई सेड वीडियो के स्टार्ट में। मैं तुम्हें प्रॉपर तरीका बताऊंगा, प्रॉपर रिसोर्सेज बताऊंगा कि कहां से करना है, बस हैंग ऑन टाइट, ठीक है। वहीं पे अगर तुम देखते हैं, लेट्स सी आई एम रांची का, एंड रांची में क्या होता है वो तुम्हारे एकेडमिक से ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट इज ECAS पे फोकस करते हैं, बिकॉज उनका ऐसा मानना है कि दे वांट पीपल हु आर यू नो वेल डाइवर्स। सो जैसे अगर तुमने जिंदगी में मान लो कुछ कर रखा है, अचीवमेंट तुम्हारी है, तुमने कोई स्टार्टअप कर रखा है या फिर तुमने डांस सीख रखा है, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग कथक फॉर लास्ट 10 ईयर्स, और यू आर अ स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर और नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर या कुछ भी, देन तुम अपना इंटरव्यू हेविली गाइड कर सकते हो उस डायरेक्शन में, दे यू नो लेट इट कि उस डायरेक्शन में जा रहा है जाने दो, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यूर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स। नो डाउट उनको अकेडमिक्स पे भी होता है, दे आस्क यू लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस, लॉट ऑफ बिजनेस क्वेश्चंस, लॉट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, बट उनका मेन फोकस ECAS पे होता है। जनरल इंटेलेक्ट मतलब अगर आसपास दीन दुनिया में तुम्हारे क्या चल रहा है, ऑफकोर्स देखो जनरल इंटेलेक्ट तुमने देखा होगा हर जगह, हर इंटरव्यू में मैंने 20% से ज्यादा रखा, चाहे वो रोहतक हो, रांची हो, इंदौर हो, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू बी मैनेजर्स यार, दे एक्सपेक्ट यू कि तुम्हें अपनी दुनिया में क्या चल रहा है उसका अंदाजा होगा। दुनिया में अब लेट से कोई भी नई डेवलपमेंट हुई वर्ल्ड स्टेज पे, तुम्हें पता होना चाहिए, या फिर कोई इंडिया में RBI ने नया क्रैकडाउन किया, तुम्हें वो भी पता होना चाहिए। इट्स जस्ट दैट दे वांट यू टू नो एवरीथिंग, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर फ्यूचर मैनेजर्स। तुम्हें इंदौर का पता चला, रांची का पता चला, इंदौर अकेडमिकली हैवी होता है, रांची ECA वाइज बहुत हैवी होता है, रोहतक कहीं इन दोनों के बीच में आ जाता है, रोहतक अपने आपको थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चलता है। आई फील उसके 60% क्वेश्चन स्टिल अकेडमिक्स होते हैं, बट वो रेस्ट 40% तुम्हारे अदर सोर्सेस पे आता है, जैसे तुम अगर तुमने ECAS में तुम्हारे बात हो जाएगी, तुम्हारे जनरल इंटेलेक्ट पे हो जाएगी, स्पेशली जनरल इंटेलेक्ट पे तो वहां पे बात होना निश्चिंत है, क्योंकि देर इज अ राउंड फॉर एक्सटेम्परी जहां पे 9 out of 10 टॉपिक्स तुम्हारे करंट अफेयर्स पे आते हैं। सो हैव टू बी वेल अवेयर विद द जनरल इंटेलेक्ट पार्ट। एक्सटेम्परी को कैसे मास्टर करना है, आई गिव यू यू नो प्रॉपर फ्रेमवर्क कि तुम एक्सटेम्परी कैसे मास्टर कर सकते हैं, एंड प्रॉपरली मैं अपना भी एक्सटेम्परी पैटर्न तुम्हें बता दूंगा, एंड प्लस आई गिव यू वन टेम्पलेट ऑल्सो, वो सेकेंड पार्ट है। फॉर दैट इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो वेल एंड गुड, 300 लाइक्स टारगेट, यू नो। ओके चलो लेट्स गो अहेड। सो अब हमें पता लग गया कि इंदौर, रांची और रोहतक का इंटरव्यू डिफरेंट कैसे होता है। सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू ऑल द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन आवर इंटरव्यू। सो देखो मोटा मोटी देखो तुम्हारे क्वेश्चंस के सिर्फ 5 प्रकार होते हैं। इन 5 प्रकार के अलावा तुम्हारे से आईबी मैट में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, शायद से इनके अलावा और कोई सवाल होते भी नहीं है इंटरव्यू में पूछने लिए, अनटिल अनलेस मतलब वो जॉब इंटरव्यू वाले सीन नहीं रखते, स्टूडेंट कॉलेज वाला रखते, तो इन 5 के अलावा और कुछ नहीं पूछते। द फर्स्ट इज अकेडमिक्स की तुम्हारी अकेडमिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, हाउ वेल आर यू अवेयर अबाउट योर 11th एंड 12th की टेक्स्ट बुक से। सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस। पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस का मतलब जो क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली तुमसे रिलेटेड, तुम्हारी स्टेट, तुम्हारी सिटी के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरा इंटरव्यू हुआ था कानपुर में, आई एम फ्रॉम कानपुर, सो दे आस्क्ड मी कि रुद्राक्ष यू आर फ्रॉम कानपुर, अज्यूम आई एम कमिंग टू कानपुर फॉर अ 3 days वेकेशन, टेल मी 5 places वेयर आई कैन विजिट। देख लो कितना पर्सनलाइज्ड है, ठीक है। वो क्वेश्चन सिर्फ मुझसे पूछा गया, वो शायद से किसी और से पूछा ही ना जाता, शायद से कोई इंसान मुंबई का होता उससे नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये पूछा जाएगा कि मुंबई में 5 जगह बता दो, बट उससे कानपुर के बारे में नहीं पूछा। सिमिलरली अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड दैट देयर पेरेंट्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो उनसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे पूछा गया, मुझसे नहीं पूछा गया, मेरे मम्मी पापा नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके थे तो उससे पूछा गया। सो दीज आर वेरी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस अपॉन अगर अकेडमिक्स के बाद सबसे जरूरी क्या है तो करंट अफेयर्स है। प्लीज रोहतक इंटरव्यू में तो स्पेशली तुम्हारा एक्सटेम्परी बहुत हद तक तुम्हारे करंट अफेयर्स पे डिपेंड करेगा,
एंड ये तुम्हारा वेल वर्ड्स होना चाहिए. जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं पास्ट टू मंथ थ्री मंथ्स में या फिर कोई बहुत बड़ा इशू है करंट अफेयर्स पे आते हैं, कौन कौन से न्यूज तुम्हें कवर करने चाहिए, दैट विल सेल टेल यू थोड़ा सा आगे वाली स्लाइड्स में, बट करंट अफेयर्स करके रखो. नाउ कम स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके में मतलब तुमको ये नहीं याद करना है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन द मून, ऐसा नहीं करना है. स्टैटिक जीके में तुमको बेसिकली अपने नेशन एंड स्टेट्स के बारे में, एमपीस कितने हैं, एमएलएस कितने हैं, हु इज द लेट्स से एविएशन मिनिस्टर, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब तुम्हें पता होने चाहिए. अगेन मैंने सारे क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जस्ट वेट ऑन. मैं तुम्हें बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं. हम लोग हर एक कैटेगरी में जाकर उसे एकदम खोलेंगे अंदर से जाके कि हर एक में कि क्या क्या चीजें हैं और तुम्हें क्या क्या मिले. भाई देखो, पीपल सेल यू दिस टाइप ऑफ कोर्स, ठीक है, पीपल टेक मनी फॉर यू फॉर ऑल दीज थिंग्स जो मैं बता रहा हूँ. सो ये तुमको मैं प्रॉपर फ्री में दे रहा हूँ. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब. Okay, so the last fifth type of question is HR questions. This is the least expected questions जो तुम्हारे से पूछा जाएगा. तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा, 8 out of 10 interviews में ये नहीं पूछा जाता है, but since उन दो interviews में कभी कदार पूछ लेते हैं, so मेरा फर्ज बनता है बताने का. बाकी उस पर तो कुछ चिंता की बात नहीं है, we'll you know dive into that also. चलो first look at 5 question type of question हो गए. First look at the academics type question. So अकेडमिक्स में तीन चीजें, अगर तुम्हें अपने अकेडमिक्स सुधारनी है, तीन चीजें तुम कर लो, तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा अकेडमिक्स, ठीक है. तीन क्या है, पहले अपनी 11th एंड 12th की बुक्स उठाओ. भैया वो उतनी मोटी मोटी बुक्स वापस से करनी है या मैंने तो बेच दी, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर यार, मतलब इंटरनेट पे पीडीएफ मिल जाती है. व्हाट यू हैव टू डू इज, बता देता हूं, जस्ट जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर इन माय इकोनॉमिक्स बुक, जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ा उसके एंड में 15-20 पॉइंट्स की समरी लिखी होती थी. तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी भी बुक्स ऐसी होंगी फिजिक्स केमिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज की, जाओ उनको खोलो, हर चैप्टर के बस वो समरी पढ़ लो, ठीक है. तुमने वो समरी पढ़ ली, तुम्हें ऐसा तो है नहीं तुमने 11th 12th में पढ़ाई नहीं की थी, तुमने पूरा साल दो साल पढ़ा है, सेम सब्जेक्ट सेम स्ट्रीम पढ़ा है, तुम्हें नॉलेज होगी, बस तुम्हें याद नहीं, उनको जाके रिवाइज कर लो, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिससे तुम्हारा अराउंड 20-30% अकेडमिक्स ब्रश अप होगा, रेस्ट मैं बताता हूं. स्टेप टू, जाके वन शॉट वीडियोस देखो. यूट्यूब पे कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, वन शॉट पढ़िए. साइंस वालों के लिए तो यार कहने की जरूरत नहीं है, वेदांतु, अन अकेडमी, भाई बहुत सारी, यू नो फिजिक्स वाला ने कितनी सारी डाल रखी है, आई रिमेंबर अपनी कक्षा ने भी डाल रखी होती है वन शॉट वीडियोस, उनकी जाके देखो, इट्स द बेस्ट, इट्स द बेस्ट. फॉर कॉमर्स ऑल्सो देर इज अन अकेडमी, आई रिमेंबर रजत अरोड़ा, आई रिमेंबर गौरव जैन, आई रिमेंबर कॉमर्स बाबा, इनकी जाके वन शॉट वीडियोस 20 डेज प्लेज, आई रिमेंबर वॉचिंग देम एंड दे वर वेरी गुड, मेरे सारे कॉन्सेप्ट एक बारी में रिवाइज हो गए थे. तो तुम लोग जाके बहुत आराम से वो कर सकते हो एंड उनसे करो एंड यहां से तुम्हारा 50-60%. देखो यार, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इंटरव्यू के लिए सिर्फ 1-2 घंटे दिन में पढ़ोगे, नहीं, इंटरव्यू के लिए तुम्हें देने पड़ेंगे दिन के 8-10 घंटे, कोई छोटी चीज नहीं है इंटरव्यू. 35% वेटेज रखती है बाकी एग्जाम में, तो करना पड़ेगा, इसको इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी वरना नहीं होगा, ठीक है. एंड थर्ड, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे कहां से, I have given a link of a Telegram group in the description. उसको join करना. I'll share this PPT which I am using अभी along with all the questions. चाहे अब वो नीचे subjects देख रहे हो, maths, physics, chemistry, economics, business studies, accountancy, इनके इन सब के important questions की मैंने list compile करके रखी है. I'll share everything with you in that group. या तुम वहां से जाके उसे access कर सकते हो, तो please वहां से जाओ and वहां से access कर सकते हो, join कर लो, ठीक है. दिस इज वॉट ऑल अकेडमिक्स टाइप क्वेश्चन इज. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज पर्सनलाइज क्वेश्चन. एंड पर्सनलाइज क्वेश्चन के दो कॉम्पोनेंट्स है, फर्स्ट स्टेट एंड द सिटी, एंड सेकेंड समथिंग दैट इज वेरी पर्सनल अबाउट यू, समथिंग दैट यू मेंशनड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एंड दे विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन अबाउट इट. सो बी अवेयर, ठीक है, कि तुम क्या अपने मुंह से निकाल रहे हो. वो बहुत फेमस डायलॉग है ना, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू से कैन बी यूज अगेंस्ट यू. सो बस वही चीज यहाँ इंटरव्यू में भी अप्लाई होती है. अब एक एक करके इसे खोलते हैं कि इनमें क्या क्या होता है. स्टेट एंड सिटी में तुमको क्या करना है, स्टेट एंड सिटी में तुम्हें क्या करना है, सारे अपने एमपीज एमएलएस का नंबर याद करना, नाम नहीं, तुम्हारे राज्यसभा में तुम्हारे स्टेट की कितनी सीट्स है, तुम्हारे लोकसभा में कितनी सीट्स है, हु इज योर गवर्नर, हु इज योर चीफ मिनिस्टर, हु इज योर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एंड ऑल द थिंग्स यू कैन लर्न अबाउट योर स्टेट. सबसे अच्छा तरीका विकिपीडिया खोलो, जाओ. एंड सेम तुम्हारे सिटी के लिए मैंने क्या किया था, आई एम फ्रॉम कानपुर, तो मैंने कानपुर की विकिपीडिया पढ़ ली, मेरे को उसके यू नो इतिहास के बारे में पता लग. वॉट That helps is, वो तुमसे हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट जब इफ दे आस्क यू समथिंग एंड यू बैक इट अप विद सम यू नो
स्टोरी और सम हिस्ट्री फैक्ट, दिल नो ओके, दिल रियलाइज के ओके दिस बच्चा हैज रिसर्च्ड अबाउट एवरीथिंग अबाउट हिज सिटी अबाउट हिज स्टेट, ही इज नॉलेजेबल, ही इज अवेयर एंड दिल लव इट. ठीक है. सेकेंड इज पर्सनल टाइप क्वेश्चन. पीपल देखो इतना समझो, अगर तुमने कुछ मेंशन किया है तुम्हारे इंटरव्यू में तो तुम्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि तुम उस चीज के बारे में क्या कर रहे हो. इफ यू सेड कि सर माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, तुम्हें लिटरली, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ अ रियल इंटरव्यू क्वेश्चन जहां पे उनसे पूछा गया है कि ये क्रिकेट बैट का ऑफिशियल जो उसकी थिकनेस होती है वो कितनी आईसीसी ने रेकमेंड की है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती, बॉल का वेट क्या होता है, पिच की लेंथ क्या होती है, स्टंप्स की लेंथ क्या होती है एंड ऑल दोस थिंग्स. तो बीवेयर की ठीक है. दिस वॉज द थिंग, लाइक आई वॉज अ यू नो बॉक्सिंग प्लेयर, सो लाइक आई यूज टू प्ले बॉक्सिंग इन माई स्कूल डेज एंड मैंने उसमें अचीवमेंट भी करके रखी थी. तो मैं प्रिपेयर करके गया था कि मैं मेरे कोर्ट बॉक्सिंग रिंग का जो साइज होता है वो क्या होता है एंड ऑल दोज रूल्स, ऑल दोज यू नो हु वन द लास्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, अभी रिसेंट में किसका मैच चल रहा है, इंडिया से प्लेयर्स कौन है, इंडिया से फीमेल में इतना ज्यादा बॉक्सिंग में पार्टिसिपेशन क्यों है, लाइक मैरी कॉम एंड यू नो ऑल द, उस टाइम पे ओलंपिक्स में भी पीपल इन बॉक्सिंग वन. सो मैं वो सब प्रिपेयर करके गया था. दिस इज आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल. लेट्स से तुम यू आर अ डांसर, तुम्हें नॉट जस्ट अपने डांस फॉर्म के बारे में बट सारे डांस फॉर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. अगर वो तुमसे बोल दे कि 10 वो डांस फॉर्म्स के नाम बताओ या फिर 5 साउथ इंडियन डांस फॉर्म्स के नाम बताओ, तुम्हें पता होने चाहिए. 5 नॉर्थ इंडियन डांस फॉर्म्स के नाम बताओ, विच डांस इज प्रेफर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, तुम्हें पता होना चाहिए. सेम गोज फॉर अगर तुम्हारे मम्मी पापा का प्रोफेशन कुछ अलग है, इफ यूर मदर एंड फादर आर डॉक्टर इंजीनियर्स, दे डेफिनेटली कैन आस्क और नॉट आस्क, बट स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि इफ दे आर डॉक्टर्स इफ दे आर इंजीनियर्स वाई यू चूज मैनेजमेंट. बट वो सब HR क्वेश्चंस में आता है. तुम्हें बेसिक एक जस्ट आइडिया लग गया कि पर्सनल क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है एंड वॉट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर. सो अकेडमिक्स हो गया, पर्सनलाइज क्वेश्चन हो गया. अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा करेंट अफेयर्स, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब करेंट अफेयर्स में वो तुमसे बिलीव मी दे कैन आस्क यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तुम्हें बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए. भैया करेंट अफेयर्स तो नहीं फॉलो करता मैं पूरे टाइम क्वांट्स लगा रहा था, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, भैया RC सॉल्व करने में टाइम निकल जाता था, मैंने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं. ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़ो, कोई तुम्हें रोक तो रहा नहीं है कि तुम अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते. गो, मैं तुम्हें 2-3-4 सोर्सेज बता देता हूँ जहां से तुम करेंट अफेयर कर सकते हो. प्लीज इसे इग्नोर मत करना, बहुत हाई वेटेज रखता है, इंटरव्यू में तुमसे पूछा ही पूछा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूछा ना जाए. ठीक है, पहला न्यूज़पेपर लगवा लो, ऑनलाइन PDF अरेंज कर सकते हो तो वहां से कर लो, लेकिन पढ़ो पूरा न्यूज़पेपर, पढ़ना स्पेशली फर्स्ट पेज, बिजनेस पेज, इकोनॉमिक्स पेज, स्पोर्ट्स पेज, मैं तो कह रहा पूरे पढ़ लो. जब 4-5 पन्ने पढ़ रहे हो तो बचे 10 हेडिंग्स पढ़ लेना यार, बट पढ़ लो. सेकेंड सोर्स आई वुड से कि स्टडी IQ बहुत अच्छा है, वर्ल्ड अफेयर्स बहुत अच्छा है, यूट्यूब जितने तुम कर सकते हो, गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ना, दैट इज थर्ड सोर्स. YouTube पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, यू कैन वॉच वीडियोज ऑफ पीपल बट उनके ओपिनियंस उतने बोरो मत करना बिकॉज पीपल कैन हैव बायस्ड ओपिनियंस. एंड हाँ, अगर तुम सोच रहे हो मैं ध्रुव राठी की बात कर रहा हूँ तो हाँ ऐसा है, आई डोंट नो वाई आई सेड दैट बट ठीक है. तो ओपिनियंस उतने भी एक्सट्रीम मत रखना, बिल्ड योर ओन ओपिनियंस, जस्ट वॉच देम फॉर नॉलेज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. यू कैन फॉलो सोच बाय मोहक मंगल, then there is Think School, then there is Dhruv Rathi, then there is Nitish Rajput. These are all the channels that you can follow. So what you can do, in sab se kar sakte ho. Kuch recent current affairs topic maine yahan pe list kar diye. Usme se bhi tum dekh sakte ho. These are one of the most prominent ones. But iske alawa bhi kafi zare hai. Jaise Maldives ka issue. Ki unhone kya humko bola jo Lakshadweep wala hua tha. And then what's the current, you know, situation abhi kya chal rahi hai. Then RBI on Paytm Payments Bank, कि उन्होंने क्यों शट करवाया, what was the reason behind it, उसकी पूरी हिस्ट्री जानो. Then Indian elections, यार such a hot topic. जब तुम क्या कहते हैं दे रहे होगे अपना इंटरव्यू, probably या तो एक दो दिन में रिजल्ट आने वाला होगा या एक दो दिन पहले रिजल्ट आए होगा इलेक्शन का 4 June को. तो आई वुड सजेस्ट कि इंडियन इलेक्शन पे जितना कैचअप कर सकते हो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड. दे वोंट आस्क योर ओपिनियन whom do you support या कुछ, दे वोंट टच ऑन एनी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, बट अगर टच करते हैं प्लीज कहीं कोई एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू मत होल्ड करना, जस्ट बी वेरी न्यूट्रल एंड डिप्लोमैटिक एट द सेम टाइम. जस्ट डोंट शो देम कि यार मैं तो सर ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है पर मैं तो बीच में हूं, नहीं ऐसा नहीं करना. हल्का सा स्टैंड लेना बट माइल्ड स्टैंड लेना अपना, अगर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक दे दिया तो, वरना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक वो नहीं देंगे.
देन कम्स चाइना ताइवान डायनामिक्स, कि चाइना ताइवान का अभी क्या चल रहा है आजकल न्यूज में है, सो ऑलवेज यू कैन प्रिपेयर अबाउट. एंड देन देयर वाज दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम. इट्स डेफिनेटली अ वेरी हॉट केक, ठीक है, जो कि तुम्हारे उसमें आ सकता है कि ओके लेट्स से कि अगर मैं इंटरव्यू में बैठा, दे कैन आस्क मी रुद्राक्ष व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम दैट हैपेंड, what are your views, it's your extemporary topics, you have 30 seconds to think and 2 minutes to speak, boom. agar mujhe pata hi nahi hoga main 2 minutes mein 2 second nahi speak kar paunga bhai, so tumhara current affairs se janna bahut zaruri hai and it's very necessary. now come static gk, yaar static gk mein tumhe agar lagta hai, as i said tumhe ye nahi pata karna hai ki who was the first woman to the space or who was the first person to land on the moon, तुम्हें बस ये पता करना है कि तुम्हारे नेशन में क्या चीजें चल रही हैं, तुम्हारे सराउंडिंग्स में करेंटली क्या लोग हैं, क्या मिनिस्टर्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स है वो चल रही है. वो करंट अफेयर्स से काफी ज्यादा लिंक्ड है बट इट्स डिफरेंट. सो देखो स्टैटिक जीके में तुमको दो कंपोनेंट्स को स्पेशली टैकल करना है, दैट इज फर्स्ट इज अबाउट योर नेशन इंडिया एंड सेकेंड अबाउट ऑल द मिनिस्टर्स हु आर इन यू नो वेरी रेप्यूटेबल पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द कंट्री. मैं तुम्हें कुछ के एग्जांपल दे देता हूँ फॉर द नेशन. तुम्हें अगर कोई चीजें अगर याद रखनी है सो व्हाट यू कैन डू, तुम अपनी जीडीपी याद रख सकते हो, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है, हु इज द करंट आरबीआई गवर्नर, एसएलआर, सीआरआर दैट इज करंट रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, देन व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, यार ऑल दिस सॉन्ग, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग. अच्छा तुम्हें लोग बताओ What is the national song of our country? Please comments में जाके लिखो, ठीक है? And I am pretty sure तुम लोगों में से बहुत सारे लोग गलत करोगे. National song बिना Google किए करना. Who wrote the national song and what is national song? ये जाके अभी तुरंत comment करो video pause करके, ठीक है? Not talking about ministers, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि who are the current ministers? Like president कौन है, vice president कौन है, union education minister कौन है, who is the chief justice of India? Who is the, you know, let's say law minister of India or human resources development, HRD minister, defense minister, prime minister, क्योंकि उस समय तक शायद से result आ चुका होगा, prime minister of India, home minister of India, education minister of India. Basically, all the important positions या all the people who are, you know, in news of very much popular, उनके तुम्हें designations पता होना चाहिए and उनका पता होना चाहिए कि okay, ठीक है, for the people, मुझे ये बताओ, नरेंद्र मोदी अभी आज तक के किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर है, लाइक ही इज द 7th प्राइम मिनिस्टर, 18th प्राइम मिनिस्टर, 55th प्राइम मिनिस्टर, 67th प्राइम मिनिस्टर, 13th प्राइम मिनिस्टर, मुझे पता है बहुत सारे लोग, मैं नहीं बताने वाला, मेरे पास लिखा है, मैं बताऊंगा नहीं, जाओ गूगल करो. जब तक तुम लोग खुद से नहीं रिसर्च करोगे तब तक तुम्हें आदत नहीं पड़ेगी चीजें सीखने की, और अगर वो नहीं पड़ी तुम लोग नहीं एक्सेल कर पाओगे इंटरव्यू. आई मे साउंड रूड बट दैट्स द ट्रूथ, मैं काफी अपफ्रंट बोल देता हूँ, सो जाओ पता करो. Now comes the part which is not very likely to come in your interview, but it's still good to be prepared for, that is HR questions. ठीक है, HR questions वो मैं reason भी बता देता हूँ क्यों नहीं आते हैं. HR question में पूछा जाता है where do you see yourself in 5 years, where do you see yourself in 10 years. अरे भाई मैं 12th से अभी निकला, how would I know, मैं 5 साल बाद कहूँगा, and they know about it. ठीक है, they usually ask this in you know MBA interviews, because तब एक 23-24 साल 22 साल का लड़का लड़की होता है, उसको थोड़ी अवेयरनेस होती है अपनी जिंदगी के बारे में कि वो 10 साल बाद क्या कर रहा होगा, कौन से करियर पाथ पे होगा. तुम लोग अभी 17-18 साल के फ्रेश 12th से निकले हो, कुछ 19 साल के हो गए, यू डोंट नो एंड दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो, सो इतना नहीं पूछेंगे. बट इन केस कभी पूछ लिया तो ठीक है, कुछ 3-4 होते हैं, वाई आईपीएम, वाई नॉट, या फिर वाई नॉट इंजीनियरिंग, वाई नॉट मेडिकल, स्पेसिफिकली जिनका बैकग्राउंड साइंस से है या बायोलॉजी से है या उनके मम्मी पापा कुछ है, सो ये से पूछेंगे. इवन कॉमर्स वालों से पूछ लेंगे व्हाई नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड ऑल दोस थिंग्स. सो इसका आंसर मैं तुम्हें टेम्पलेट दे सकता हूँ बट मैं दूंगा नहीं, क्योंकि फिर अगेन सब लोग मेरा सेम छाप दोगे, तो ऐसा होगा तुम लोग में से कई सारे सेम मेरा छापोगे, कई सारे सेम स्लॉट में फंस जाओगे, सेम पैनल में फंस जाओगे, अपना भी इंटरव्यू खराब करोगे, 4-5 का और ले डूबोगे. ठीक है, सो इट्स बेटर कि तुम लोग अपना बनाओ. मैं तुम्हें टिप्स दे सकता हूँ कि कैसे करना है प्रॉपर एक. अच्छा चलो एक काम करते हैं, इंट्रोडक्शन एंड एक्सटेम्परी वाला जो पार्ट टू ऑफ द वीडियो है उसमें विल डिस्कस डिटेल में कि तुम अपने आंसर्स कैसे डिजाइन कर सकते हो, बट ये 3-4 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना कि तुम्हारे व्हाई वुड वी चूज यू. यू डोंट हैव टू बी एरोगेंट देयर कि सर चूज मी बिकॉज आई एम द बेस्ट. अरे तो बोलेंगे सर यू कैन लीव, ऐसा नहीं है. सो जस्ट शो देम हम्बली दैट यू आर यू नो यू आर वर्दी ऑफ द सीट दैट दे आर ऑफरिंग यू इन देयर इंस्टीट्यूट.
एंड यू वोंट वेस्ट दैट. उनको बस दिखाओ कि सर आई एम द मोस्ट प्रोबेबल वर्दी कैंडिडेट फॉर दिस सीट विदाउट बींग एरोगेंट विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी. वो तुमसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पूछते प्लीज यार, प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, वो पोरा वाले आंसर्स मत बोलना कि सर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट आई नो ऑल माई वीकनेसेस. क्या भाई, नहीं प्लीज, अगर तुम ये बोल रहे हो ना प्लीज, तुम सबसे ज्यादा वहां पे एकदम क्लाउन दिख रहे हो. सर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज आई नो ऑल माई वीकनेसेस. पीपल गो ऑन टू एन एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट कि सर माई बिगेस्ट वीकनेस इज आई एम अ परफेक्शनिस्ट दैट आई यू नो डिले माई डेडलाइंस. इंटरव्यू बोलेगा भाई तेरी जरूरत नहीं है इधर, तू जा. ठीक है, बी वेरी ऑनेस्ट विद देम. वैसे वो नहीं पूछेंगे, बट ये सब कोरा वाले आंसर्स मत बोलना. कोरा वाले फैन फिक्शंस होते हैं, वैसे फिक्शन में लिखा जाता है कि मैं इंटरव्यू में गया था, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने इंटरव्यूअर के साथ ऐसा उसको ऐसा जवाब दे दिया, वैसा जवाब दे दिया. कभी किसी सिचुएशन में फंसो प्लीज इंटरव्यूअर से झगड़ना नहीं, बी वेरी पोलाइट, बी वेरी यू नो हम्बल. ऐसे फर्जी का आंसर मत देना, बी वेरी रियल, बी वेरी ट्रूथफुल. एंड इफ यू वॉन्ट कि मैं पर्टिकुलरली तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे इंट्रोडक्शन, तुम्हारे आंसर्स तुम्हारे मैच करो, प्लस यू नो टेक टू मॉक इंटरव्यूज, नॉट इवन वन बट टू मॉक इंटरव्यूज तुम्हारे फ्यूचर आई एम सीनियर्स विच पॉसिबली मैं भी उसमें से तुम्हारे इंटरव्यू लू. सो यू कैन ऑलवेज फिल आउट द फॉर्म, फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक कॉमेंट में, यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड फिल इट, है ना. एंड बिलीव मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन द मार्केट. ओके लेट्स गो अहेड. ब्राउनी पॉइंट. Read everything given on the official website and incorporate its language into your own answers. कहने का मतलब, it's very flattering अगर तुम उनकी website जाके देखते हो. Let's say I am Rohtak का interview पहले आता है and तुम I am Rohtak के website पे गए and you read everything, their vision, mission, what is the you know meaning of their logo, उनका logo में जितने colors हैं, वो design बना उसका meaning क्या, there is a meaning, and what is the vision of I am Rohtak, mission of I am Rohtak, and अगर तुम उसे अपने answers में incorporate कर लेते हो then that's going to earn you brownie points. जैसे मैंने क्या किया था, मैंने जब अपने YIPM या फिर why not engineer, why not chartered accountancy and ये सब strength and weaknesses, ये सब मैंने prepare किया था ना. So मैंने I am Indore के website पे जो जो language लिखे थे वो अपने में incorporate की थी. I still remember I am Rohtak की tagline is ज्ञानेन गुणेन च प्रबंधा. And मैंने एक जगह अपने interview में बोला था कि sir they asked me some question, I don't know, I don't remember, but they asked me that question. I said sir because of this XYZ reason I believe this, because I am also a firm believer of ज्ञानेन गुणेन च प्रबंधा. And they were, you know, आंखें उनकी lit up हो गई, oh bhai, he knows it. And they feel very good when they listen that student has research, student is serious about it, and student काफी ज्यादा तवज्जो देता है, काफी ज्यादा importance देता है इस interview को. They want you यार, फिर दे, you'll impress them. So please ये brownie point को miss मत करना, करके जाना. And then that's it for this video. Part 2 is coming soon. Again, I'm repeating, 300 likes and comment mein batana what all things you noticed about it. Agar tumhare koi bhi doubt hai, so you can always comment kar dena. Main sare comments padh raha hu. There are people like tum log ko, you can ask even people who I reply too often. Like Prakhar ho gaya, Yash ho gaya, Aryan ho gaya. Ye log hamesha comment karte hai na, I always reply them. So tum log ko bhi agar koi bhi doubt ho, so jaake comment karo. I'll definitely reply to it. And then that's it. See ya. Have a good day. And probably ECN mein ye first time ye line bol raha hu. See you at the campus soon.